अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो 3 दिन मक्का मुकर्रमा में रहने के बाद हम लोग मदीना आ गए, लंच करके फिर ज़ियारत के लिए निकल गए। खुद चल वादी अल जिन के बाद हम लोग जबल अल उहुद गए, वहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हमारे गाइड ने हमें यहाँ का वाक्या बताया कि यहाँ क्या हुआ था। ये है उहुद का पहाड़। इसके बाद हम लोग मस्जिद कुबा गए और यहाँ हमने इशा की नमाज़ पढ़ी। ये हमारे इस्लाम का सबसे पहला मस्जिद है और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स यहाँ पे 2 रकात नफील नमाज़ अता करेगा उसे 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। मदीना की रौनक कुछ अलग ही है, यहाँ की हवाओं में भी एक अलग किस्म का सुकून रहता है। इसके बाद हम लोग मस्जिद किबलतैन गए और 7 मसाजिद गए। यहाँ हर मस्जिद के पीछे कोई ना कोई वाक़या जुड़ा है। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करके मेरा रियाजुल जन्ना में 10:30 की अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग तकरीबन 1 घंटा पहले ही निकल गए। मस्जिद अल नबवी हमारे होटल के बहुत ही करीब थी, बस 2 मिनट का वॉक था। रियाजुल जन्ना जाने के लिए हमें नुसुक ऐप से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बिना वो हमें अंदर जाने नहीं देते। आपको जिस दिन की अपॉइंटमेंट लेनी है वो स्लॉट बस उसके 1 हफ़्ता पहले ही खुलता है और ज़्यादातर फ्राइडे सुबह में या फ्राइडे कभी कभी दोपहर जुमा की नमाज़ के बाद खुल जाता है। तो आपको देखते रहना पड़ता है कि कब वो स्लॉट खुले और आप अपॉइंटमेंट ले। और अभी शायद नया रूल आया है कि अगर आप एक बार वहाँ अंदर चले जाए फिर आप 1 साल तक अंदर नहीं जा सकते। एक तो जब आप काबा शरीफ को पहली बार देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दूसरा जब आप मस्जिद अल नबवी के इस हिस्से में आते हैं रियाजुल जन्ना तो आपकी आंखों में फिर आंसू आते हैं। यहाँ हमारे नबी रहते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है और उनकी कब्र भी यहीं है, तो ये सब जान के एक अलग सा लगाव हो जाता है। मुझे डोर नंबर 37 से एंट्री मिली थी और एग्ज़िट डोर नंबर 40 से, और गेट नंबर 358 से लेके 360 तक ये डोर नंबर 37 नज़दीक पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जोहर और असर की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से लेके उनके जो कब्र तक का हिस्सा है उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, और उस हिस्से को कयामत के दिन उठाया जाएगा। असर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग जन्नतुल बकी के साइड चले गए। जन्नतुल बकी भी जन्नत का एक हिस्सा है। यहाँ बहुत सारे सहाबा और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार दफन है। और ये है जन्नतुल बकी। कयामत के दिन जन्नतुल बकी को भी रियाजुल जन्ना की तरह उठाया जाएगा।
इसके बाद फिर से हम लोग मस्जिद कुबा चले गए मगरिब की नमाज़ पढ़ने और एक उम्रे का सवाब पाने। तो ये था हमारे 5 दिन का उम्रा का सफ़र। बहुत सारी जगह हैं जो हम जा नहीं पाए। इंशाल्लाह अगली बार। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपको फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।